हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? तो आज आप सब एक्सपर्ट और अपकमिंग इंजीनियर जो फिशर है वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज का केस स्टडी है आसूस 81 के ऊपर। आज देख सकते हो आप आसूस H81MCS इसका रिविजन 1.0। तो देखते हैं इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। तो केस स्टडी तो बहुत सारा है आज का, पता नहीं कितना वीडियो में डाल पाऊंगा, वीडियो कितना डाल पाऊंगा पता नहीं, लेकिन आज का केस स्टडी है इतना दिखा नहीं पा रहा हूं मैं। देख सकते हो दो तीन बहुत सारा है, ठीक है। तो ट्राई करूंगा कि आज दो वीडियो कर दूं और एक अपलोड कर दूं, काले का अपलोड कर दूंगा। तो पहले ही मैं आसूस का 81 का लेके बैठा हूं। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसका, पीछे में देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। इसका अपना प्लाजा ऐसे, इट इज नो नो डिस्प्ले। अच्छा, मतलब बोर्ड चल रहा है शायद नो डिस्प्ले है। चलो देखते हैं। फर्स्ट में इसे अच्छा लगा, ऊपर में था इसीलिए इसको ही लेके बैठा हूँ। इसके बाद में गीगाबाइट का है बहुत सारा मदरबोर्ड, देखेंगे एक एक करके। तो पहले इसको देख लेते हैं। और मैं बोल दूं, ये जो 81 का सीरीज है आसूस का, इस बोर्ड में आप ये डेबग कार्ड यूज़ कर सकते हो। इसका मॉडल नंबर है TL60S+। लेकिन ये वाला बोर्ड में ये काम नहीं करेगा, मिनी PCI जो होता है ये काम करेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हो आप, सॉरी क्लियरली दिखा दूँ, यहाँ पर जो TPM करके एक पोर्ट दिया हुआ है, LPC नहीं है इसमें, ये देख सकते हो TPM, ये पोर्ट में ये डिवाक कार्ड काम करेगा। मैं इसे लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर बड़ा वाला जो नोड है, ये बड़ा वाला नोड है, ये इंसर्ट होगा, इसका नोड है यहाँ पर एक नंबर पिन, तो कुछ ऐसे ही बैठेगा, ठीक है, ऐसे बैठेगा मेरे ख्याल से, मैंने अभी भी देखा नहीं। तो ठीक है, बैठा देते, चलो चलाते हैं। फैन लगा देता हूँ हाँ, ताकि समझ में आ जाए आपको, बोर्ड चल रहा है। चलो चलो चलो, कहाँ गया? आज बहुत प्रेशर है काम का, देखता हूँ कितना वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऑन कर रहा हूँ, इसका फोन पैनल लिए हैं, चलो ऑन कर दिया। ये तो एक बार ऑन हो गई, ऑफ हो गया, फिर से ऑन हुआ, ऑफ हो गया। डिवाक कार्ड में कोई भी कोड नहीं आ रहा है, अब चल रहा है, लेकिन 00 कोड एक LED इंडिकेट हो रहा है। ऐसा होने पर भी डिस्प्ले आता है कभी कभार, क्योंकि ये तो आसूस का बोर्ड है। ठीक है, देख लेंगे एक बार, कोई बात नहीं। अच्छा, पहले मैं देख लेता हूँ इसका CPU, इसका CPU हीट पता नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, रैम लगा हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं डिस्प्ले है कि नहीं। ठीक है, चलो। कीबोर्ड किधर गया? तो कीबोर्ड मिल गया, कीबोर्ड पे एक बार देख लेते हैं। नहीं, डिस्प्ले नहीं है। चलो, कीबोर्ड पे नहीं भी आ सकता है, BGA पे भी एक बार देख लेते हैं। बीजू इंसर्ट कर रहा हूँ, मॉनिटर चल रहा है लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, मैं उठाऊंगा, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा चैनल पे है वो यकीन करते हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि जितना मैं वीडियो डाला हूँ सब रॉ फुटेज है। चलो, डिस्प्ले नहीं है इसका। ठीक है, तो CPU हीट नहीं हो रहा है, इसे खोल दे रहा हूँ, कुछ वोल्टेज है थोड़ा सा चेक कर लूँ, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ताकि आप लोग देख सको, बस काफ़ी है। तो ऑन बोर्ड पे देखेंगे, एक प्रॉप को, ब्लैक प्रॉप को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ साथ में रहिए, इसका कोर VDD बन रहा है कि नहीं। 12 वोल्ट अवेलेबल है, इसका इसका कोर बन नहीं रहा है, कोर बन नहीं रहा है। 12 वोल्ट अभी कोर बन नहीं रहा है, तो एक बार देख लेते हैं CPU इसका हीट कितना हुआ है, कितना हीट हुआ है देख लेते हैं। CPU थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है,
हीट हो रहा है सीपीयू, ठीक है। तो चलो ऑफ करते हैं, और इसका जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, सीपीयू हीट हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो यहाँ पर एक PWMIC है, ये देख लेना पहले ठीक है कि नहीं। ये तो सही लग रहा है मुझे, और यहाँ पर एक बायस है, तो पहले इसको एक बार बायस को रीप्रोग्राम करके देख लेते हैं अगर, क्योंकि इस टाइप का बोर्ड में मैक्सिमम बायस का इशू आता है। तो चलो एक बार यूनोस प्लस किधर गया, एक बार इसका बायस जो है इसको रीप्रोग्राम करके देख लेते हैं। ये है इसका चिप, और ये है हमारा बायस प्रोग्रामर, तो एक बार इसको रीप्रोग्राम करके देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे की कार्रवाई। सबसे पहले तो बायस करना है, तो थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। चलो ये है आईपिक्स का बायस प्रोग्रामर जो मैंने ओपन कर दिया, देख सकते हो आप, अभी वाली हो गया। तो स्मार्ट आईडी पे क्लिक करते हैं। चलो ये चिप को ऑब्जर्व कर लिया है, और इसको हम रीड करेंगे, इसलिए ओपन कर रहा है। और इसका जो फाइल है, और मदरबोर्ड पे ये आसूस पे जाते हैं, और इसका CS किधर है, और ये है CS। यहाँ पे बहुत सारा बायस है, लेकिन एक टेस्टेड बायस है, ये रीड बिन ओके टेस्टेड। अच्छा, ये वाला बायस को लेते हैं एक बार, ठीक है। ओपन करते हैं और सिंपली इसे यहाँ से राइट कर देते हैं, ठीक है। चलो ऑटो रिज्यूम होने के बाद ये राइट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो राइट होने दो उसे, हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी भी हो रहा है प्रोसेसिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। बायस प्रोग्रामिंग का वीडियो देखना है तो और भी वीडियो है मेरा, चैनल पे जाके देख सकते हो, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी भी नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग चल रहा है, कोई बात नहीं, देख सकते हो प्रोसेसिंग चल रहा है, इसका लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो ऑटो वेरीफाइंग आ रहा है, अभी ऑटो वेरीफाइंग हो जाए तो ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, ये स्टॉप हो गया ना, हो गया इसका मतलब। तो मैं इसे उठा लेता हूँ, कहाँ गया मेरा ट्वीज़र, तो मेरा ट्वीज़र इधर गया, मैंने इसको उठा लिया। चलो यहाँ पर रखते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इसे सिंपली यहाँ पर बिठाते हैं, यहाँ पर एक नोड होता है, देख सकते हो आप कटिंग, और इसका भी कटिंग है यहाँ पर, तो ऐसे बैठेगा ये। सिंपली मैं थोड़ा सा पेशाब देके बैठा रहा हूँ, अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कंडीशन है बोर्ड का, ठीक है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो अलग से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो डिबग कट कहाँ गया इसका, बड़ा वाला LPC बोर्ड ये वाला, तो यहाँ पर लगा देते हैं। चलो अब अल्टीमीटर को हटा देते हैं, देखते हैं ऑन करके, ठीक है। चलो ऑन कर दिया, इसका कोड अभी भी 00 है, स्टिल 00, अब वेरीफाइंग हो रहा है। चलो फिर से बंद हो गया, पता नहीं क्यों। इसको ले रहा है अभी, 99 डिस्प्ले। अच्छा, मैंने बिजी लगा ही नहीं अभी, इसको एक बार लगाते हैं बिजी को। फिर से ऑफ हो गया, पता नहीं क्यों ऑफ ऑन हो रहा है। तो कीबोर्ड किधर गया, अब B4 में आके अटका है, तो इधर मैं देख रहा हूँ डिस्प्ले आ चुका है इसका, इसका कीबोर्ड एक इंसर्ट कर देता हूँ। चलो देखते, चलो कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है, देख सकते हो। तो ये बेसिक लेवल का काम बन गया ना, मैं सोच रहा था क्या ना क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार होता है ऐसा,
तो जो फिशर है उन लोगों के लिए ये काम आएगा, जो एक्सपर्ट है उनको तो कोई काम नहीं आएगा। चलो वीजे पे दिखा देता हूँ। चलो ये डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है, एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। कहाँ गया, ये है इसका पोर्ट, ये मैंने रिस्टार्ट कर दिया, देख सकते हो कोड वेरिएशन हो रहा है, इधर डिस्प्ले गया और फिर से आ गया, ठीक है। देखते चलो आ गया, तो इसका बायस रीसेट करना पड़ेगा। फुल्ली सपोर्ट क्या दिख रहा है, करंट बायस सेटिंग डू नॉट फुल्ली सपोर्टेड। अच्छा ठीक है, बायस को एक बार सेट कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो फिलहाल बोर्ड तो रेडी हो चुका है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो सीपीयू थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है, कोरबिडिटी बन नहीं रहा था इसका, शायद इसका बायस का प्रॉब्लम से ही हो रहा था, तो ये नोस प्लस से ओपन किया जा, इसलिए मैंने पहले बायस को ट्राई किया, क्योंकि ये अगर सोल्डरिंग बायस होता तो पहले मैं जाके बायस को ट्राई नहीं करता, कुछ और देखता, क्योंकि ये इजी है इसलिए पहले ही ट्राई किया मैंने कि बायस करके एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले बार ही हो गया, चलो एक बोर्ड तो हो गया, करीब 10 मिनट में एक बोर्ड हो गया, चलो कोई बात नहीं। और एक चीज़ एक बार ऑफ करता हूँ, मैं पहले बोला था ये जो डिबग कार्ड ये पोर्ट में काम नहीं करेगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो चलो अब तो बोर्ड रेडी है ना, डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन इस बोर्ड पे जब मैं चलाऊंगा इस पीसीआई मिनी पीसीआई पे तब देखो कोई भी कोडिंग नहीं है, ठीक है। तो 00 आ रहा है और दो लाइट इंडिकेट हो रहा है, इसका मतलब है डिस्प्ले, अभी जो एक लाइट ब्लिंक कर रहा है ऊपर में मिडिल में, इसका मतलब डिस्प्ले आ चुका है अगर सब ठीक ठाक है तो इसमें कोई कोडिंग आने वाला नहीं है, तो मैंने ऑफ कर दिया। और अगर आप ये बड़ा वाला जो एलपीसी है इसको आप, ये है इसका फॉन्ट, ऐसे करके ओ मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हो टीपीएम पोर्ट है यहाँ पर, तो पहले पोर्ट से ही काउंट करना, ये पहला पोर्ट ही एक नंबर पोर्ट होता है, ऐसे करके घुसा के फिर फैन को हटा देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे ट्रिगर करोगे तो बोर्ड देखो कोडिंग हो रहा है, बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा, मतलब डिबग कार्ड में कोडिंग आ जाएगा अगर बोर्ड सही है तो चलो इसका तो बायस का इशू था सॉल्व हो गया, और जो काम सीख रहे हो वो ध्यान से देखना। और पहली बात तो ये है, ये जब बोर्ड अगर आपके पास आए तो दूसरा कोई प्रॉब्लम हो अगर आपसे सही हो गया तो ऐसा टाइप का बायस है तो अब ज़रूर इसे बायस को रीड करके कॉपी कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये काम आता है। अगर नहीं कॉपी करोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर बायर्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का बोर्ड आपके पास आएगा तो ढूंढते रह जाओगे इस ग्रुप में उस ग्रुप में ऑनलाइन में, सही बायर्स कभी भी नहीं मिलेगा आपको, अगर मिल भी गया तो 3-4 बार रीड्रेट करने के बाद मिलेगा। तो मेरे पास तो था ऐसा बोर्ड, मैंने बहुत रिपेयर किया 81, इसलिए था मेरे पास, इसलिए हो गया। तो डिस्प्ले अभी स्टे है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो बस इतना ही है, लव यू ऑल। अगर कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।